बेटे आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लीजिएगा आप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो इसमें क्या करना है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले ये ध्यान रखना इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसका मेन वर्ब क्या है। टेंस के आपको बस ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और पहचान तीनों को ध्यान रखोगे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी टेंस बनाने। अगर आपको टेंस अच्छे से आएगा तो यू कैन स्पीक फ्लुएंसली इन द नोट ऑल, ठीक है ना। ग्रामेटिकल भी आपका अच्छा हो जाएगा, वैसे भी ठीक हो जाएगा। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी इजमार, और एक फैक्ट मैं आपको बता दूं जहां पर कंटिन्यूअस को वहां समझ जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा। इसके बाद यहां पे आपको जो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे, ठीक है। इसके बाद एक फुट अफर्मेटिव सब्जेक्ट लगाना है आपको, प्लस इज एम आर लगाना है, प्लस बी फर्स्ट आई एन जी ऑब्जेक्ट और अदर, ठीक है। और ये आपका नेगेटिव है, सब्जेक्ट लगाना है इज एम आर प्लस बी फर्स्ट, साथ ही आपको नॉट लगाना है बी फर्स्ट आई एन जी एंड ऑफ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल में मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट क्या है आई, आई के साथ क्या लगेगा एम, और उसके बाद पढ़ना रीडिंग इंग्लिश, और मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूं तो यहाँ पे लगेगा आई एम नॉट रीडिंग आ गया। अब ये देखो इज कहां लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा, जैसे कि आपका ही हो गया, ही हो गया, इट हो गया, और कोई भी सिंगुलर नेम हो गया, मतलब एक नेम हो गया उसके साथ इज लगेगा। एम यानी कि जो लगेगा आई के साथ लगेगा, आर जो लगेगा वो प्लूरल के साथ, जैसे कि यू हो गया, वी और दे, और कोई भी दो नेम जैसे कि एक से अधिक जो होंगे राम श्याम मोनू सोनू राघव एंड माधव, तो आपको इस तरीके से यूज करना। अब वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा वे के लिए, वे और वे के साथ इजे मारने से क्या लगेगा आर, फिर उसके बाद प्ले क्रिकेट या प्ले। अब वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो बस नॉट लग जाएगा, दे आर नॉट प्ले, ठीक है। अब उसके बाद राधा गाना गा रही है, एक बात तो ध्यान रखना इस टेंस का यूज, इस टेंस का यूज होगा वो आपको रिसेंटली जो वर्क किया जा रहा है, जो वर्क आपके सामने हो रहा है, जो कोई सामने वाला कर रहा है वहां आपको इसका यूज करना। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, वह खाना खा रहा है, आपके सामने जो काम हो रहा है वह घूम रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो इस टाइप के जो होंगे उस टाइप के सेंटेंस को यूज करना। जैसे कि मेरी माँ खाना बना रही है, तो माई मदर इज कुकी, माई मदर इज कुकी फूड, मेरी माँ खाना बना रही है, और मेरी माँ जैसे कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है,
तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. वह झूठ बोल रहा है या तुम झूठ बोल रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो. यहाँ पे क्या आएगा? यू आर टेलिंग अ लाइ. अब वे सत्य नहीं बोल रहे हैं. दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ. बताओ बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर हो गया ना? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो आप, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो बार बार बनाइएगा और चाहते जितने आप अच्छे से बनाओगे उतने आपको प्रैक्टिस. एक बात तो ध्यान रखना, आपको जैसे हिंदी का यूज कम करना, इंग्लिश का ज्यादा करना. जैसे इंग्लिश का आप ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे ना तो आपको बोलना भी आएगा और लिखना भी आएगा. जितने बोलते हैं प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इम्प्रूवमेंट आएगा. तो ध्यान रखना. तो